ये दोस्तों, क्या आप भी आईटीआई करना चाहते हैं? तो आपके मन में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते होंगे कि आईटीआई में हम कौन सा सब्जेक्ट चॉइस करें। तो दोस्तों, आज मैं आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर और आपके जितने भी क्वेश्चन आपके माइंड में हैं सभी के सॉल्यूशन इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो आप ओनली वीडियो को पूरा देखिए, आपको सारे इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में मिल जाएंगी, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, आईटीआई में 100 से भी ज़्यादा कोर्सेज होते हैं, आप अपने ज़रूरत और चॉइस के अनुसार किसी भी कोर्स को कर सकते हैं। हम सबसे पहले यह जानेंगे कि आईटीआई कैसे करें। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आईटीआई आप 10th या 12th के बाद कर सकते हैं। आईटीआई दो तरह के कॉलेज से किया जा सकता है, पहला है एनसीवीटी और दूसरा है एसटीवीटी। अगर आप एनसीवीटी कॉलेज से अपने आईटीआई कोर्स को पूरा करना चाहते हैं तो इसकी मान्यता पूरे देश में होती है। वहीं अगर आप एसटीवीटी कॉलेज से आईटीआई करना चाहते हैं तो इसकी मान्यता ओनली राज्य स्तर में बहुत ज़्यादा होती है। हालांकि केंद्र स्तर में भी इसकी मान्यता होती है, लेकिन एनसीवीटी जितना नहीं होती है। आईटीआई कॉलेज में एडमिशन दो तरह से होते हैं। अगर मैं आपसे बात करूँ, सबसे पहला तरीका तो वह है एंट्रेंस एग्ज़ाम की हेल्प से, और दूसरा तरीका है मेरिट की हेल्प से। हमारे देश में ऐसे बहुत से आईटीआई कॉलेज है जिसमें कि अगर आप अपना एडमिशन पाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले एक एंट्रेंस एग्ज़ाम को देना होगा, उसके बाद ही आपको उसमें एडमिशन मिल सकता है। कुछ कॉलेज ऐसे भी है इसमें कि आपको किसी भी प्रकार की कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वहाँ आपकी एग्ज़ाम के मार्क्स के आधार पर ही आपका सिलेक्शन हो जाता है। अगर मैं आपसे बात करूँ परीक्षा के मार्क्स की, तो वो इससे मेरा मतलब क्लास 10th से नहीं है, क्योंकि अगर मेरिट के अनुसार आपका सिलेक्शन होता होगा तो आपका 10th का नंबर ही देखा जाएगा। एक बार अगर आप आईटीआई के एंट्रेंस एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं तो उसके बाद आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है, और वहां आपसे पूछा जाता है कि आप आईटीआई में कौन से कोर्स लेना चाहते हैं या फिर आईटीआई में कौन सा कोर्स करना चाहते हैं। काउंसलिंग पूरी होने के बाद आपका एडमिशन आईटीआई कॉलेज में हो जाता है और आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूँ कि आईटीआई कोर्स 6 मंथ से लेकर 3 ईयर के बीच में होती है। यह पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करती है कि आप आईटीआई में कौन से कोर्स के साथ आईटीआई कर रहे हैं। दोस्तों, वैसे तो आईटीआई कॉलेज में बहुत सारे कोर्स होते हैं, यहाँ आपको 100 से भी ज़्यादा कोर्स देखने को मिलेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जिस कॉलेज में आप एडमिशन कराना चाहते हैं उस कॉलेज में ही वह सारे कोर्सेस अवेलेबल हो सकता है इनमें से कुछ कोर्स आपको अपने कॉलेज में देखने को ना मिले, मगर आप एडमिशन लेने के पहले ज़रूर चेक कर लें कि उस कॉलेज में वो सारे कोर्स अवेलेबल है या नहीं। तो दोस्तों, फिर भी जो भी कोर्स अवेलेबल है उसमें से ही अपने लिए एक अच्छा कोर्स देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ आईटीआई कोर्सेज की लिस्ट है, ये आप इसमें कर सकते हैं। इसमें से आप कोई भी एक ब्रांच चॉइस कर सकते हैं आपको जिसमें इंटरेस्ट है। तो दोस्तों, ये सारी लिस्ट आप ध्यान से देख लीजिए, इसमें आपको कोर्सेस बताए हैं और उसका ड्यूरेशन कितना होता है, कितने ईयर के कोर्सेज होते हैं, वो सारा इसमें लिखा हुआ है। वैसे तो आईटीआई में बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, मगर ये जो लिस्ट मैंने आपको यहाँ दिख रही है वो सारी इन्फॉर्मेशन बहुत इम्पॉर्टेंट कोर्स की है। तो दोस्तों, अब आपके मन में एक ही सवाल आता होगा, इन सारे कोर्स में से हम कौन से कोर्स को करना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि आपका जिस भी कोर्स में दिलचस्पी है उस कोर्स को करें, क्योंकि जल्दबाजी में अगर आप गलत डिसीज़न ले लेते हैं तो फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट या दिक्कत भी हो सकती है, या फिर हो सकता है आपका पढ़ने में मन ना लगे, आप उस कोर्स को अच्छी तरह नहीं कर पाएंगे। तो कृपया करके सही कोर्स का चॉइस करें, क्योंकि आगे जाकर आपको उसी में ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, ऐसा कोर्स आप चॉइस करें। आईटीआई करने के बाद नौकरी मिलने की संभावना बहुत हद तक बढ़ जाती है, क्योंकि आईटीआई कॉलेज में हमें थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल पर ध्यान दिया जाता है, यानी कि वहाँ आपको किताबी ज्ञान कम और प्रैक्टिकल ज्ञान ज़्यादा दिया जाता है। इसी वजह से आईटीआई के स्टूडेंट में किसी भी काम करने की कैपेसिटी और तरीका बहुत ज़्यादा अलग और अच्छा होता है। आज के समय में जितने भी बड़े कंपनियाँ हैं वह कोशिश करते हैं कि जब भी हुए किसी को नौकरी दे तो उनके अंदर एक एबिलिटी होनी चाहिए काम करने की, जो कि आईटीआई के स्टूडेंट में बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उन्हें पहले से ही इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। और अगर आप आईटीआई करते हैं तो
तो आपकी नौकरी मिलने की संभावना बहुत हद तक बढ़ जाती है। अगर आप आईटीआई करने के बाद नौकरी नहीं करना चाहते तो आप खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं और आपके यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी भी हो जाएगा। आपने पहले ही अलग अलग तरह से अपने पसंदीदा कोर्स की ट्रेनिंग ली हुई है। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में जाना कि आईटीआई में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं और कौन से सब्जेक्ट को हमें लेना चाहिए तथा हमें एडमिशन आईटीआई कॉलेज में कौन से कॉलेज में लेनी चाहिए। दोस्तों, आई होप आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होंगी। आप सभी लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह से ये वीडियो समझ में आ गया होगा और इससे आप सभी को कुछ ना कुछ बेनिफिट भी हुआ होगा। तो दोस्तों, इससे जुड़ी किसी भी प्रकार की एडवाइस या सॉल्यूशन आप मुझे देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। इससे हमें भी खुशी मिलेंगी और भविष्य में काम करने की बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेंगी। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए वेरी वेरी थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।